दोस्तों आज हम किसी बहुभुजी विकर्णों की संख्या होती है एन एन माइनस थ्री बाई टू का प्रूफ पढ़ेंगे। ये जैसे कि ये कोई एन भुजाओं वाला बहुभुज है, हम यहाँ से कोई बात ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि एक और दो दो बिंदुओं को मिलाने पर एक भुजा का निर्माण हो रहा है। तो एन बिंदुओं को कितनी प्रकार से मिलाया जा सकता है, एन सी टू। चूंकि हमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम जो भुजाएं इसकी एन भुजाएं उसको घटा दें तो हमारे पास आ जाएगी विकर्णों की संख्या, ये होगा एन सी टू। अगर इसको हम खोलें तो एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल हो जाएगा दो एन माइनस टू फैक्टोरियल माइनस एन। इसको आगे खोलें, इसको आगे खोलते एन एन में से घटाएंगे एन माइनस वन, दो घटाएंगे एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल माइनस एन। एन माइनस टू फैक्टोरियल से एन माइनस टू फैक्टोरियल कट जाएगा, ये हो जाएगा एन एन माइनस वन, ये हो जाएगा दो फैक्टोरियल को लिखेंगे दो, दो में से घटाएंगे एन एक माइनस एन, एन इधर से कॉमन है इधर से कॉमन है तो एन कॉमन ले लिया, ये बचेगा एन माइनस वन बाई टू माइनस एलसीएम ले तो ये हो जाएगा एन एन माइनस थ्री बाई, जो तुम्हें प्रूव करना था।